नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गौरी और फिट स्टार में आपका स्वागत है। अगर आपको आपके मोटे फ्लफी थाइस या हिप को कम करना है तो आज का वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं सेल्यूलाइट कम करने के लिए आपने क्या करना चाहिए इसके बारे में बताने वाली हूँ। बहुत लोगों के और स्पेसिफिकली बोलूं तो 80 से 90% महिलाओं के जांघों पर या हिप्स यानी नितंबों के ऊपर बहुत सारी चर्बी जमा होती है और वो संतरे के छिलके जैसी यानी उस पर आपको बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे दिखते हैं। वहां की त्वचा ढीली लटकती हुई और झूलती दिखती है। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे गड्ढों जैसी और लटकती हुई दिखने वाली चर्बी सेल्यूलाइट ही होती है। हमारे शरीर का एक्सटर्नल भाग 4 चीजों से बना होता है। सबसे पहले स्किन, उसके नीचे फैशिया यानी कनेक्टिव टिश्यूज, फिर उसके नीचे फैट सेल्स और बाद में मसल्स। नॉर्मल केस में आपके फैट सेल्स की साइज छोटी होती है और मसल्स टाइट रहते हैं। जब स्किन के नीचे का फैट बढ़ता है या फैट सेल्स की साइज बढ़ती है तब वो फैट कनेक्टिव टिश्यू यानी फैशिया को ऊपर की तरफ ढकेलते हैं, जिससे आपकी स्किन बम्पी और इरेगुलर हो जाती है। छोटे छोटे गड्ढों जैसी टेक्सचर के कारण बहुत लोग इसे कॉटेज चीज स्किन या ऑरेंज पील स्किन भी कहते हैं। दोस्तों, इससे आपके शरीर को कोई नुकसान तो नहीं होता, लेकिन ये दिखने में भद्दा और बुरा लगता है। सेल्यूलाइट कम करने के उपाय बताने से पहले मैं आपको सेल्यूलाइट होने के कुछ कारण यहाँ पर ब्रीफली बताती हूँ। दोस्तों, इसमें सबसे पहला कारण है आपका बहुत ज्यादा वजन होना यानी ओवरवेट होना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रॉब्लम पतले लोगों में नहीं हो सकता। ये समस्या किसी को भी हो सकती है। इवन मैं तो कहूंगी कि ये समस्या कम एज में ही ज्यादा होती है। 20 से 21 की उम्र की लड़कियों में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। दूसरा कारण है आपका गलत डाइट करना। दोस्तों, जो लोग न्यूट्रिशियस डाइट नहीं लेते हैं और गलत तरीके से डाइटिंग करते हैं या बहुत ज्यादा फैट, कार्बोहाइड्रेट और नमक खाते हैं, उनको सेल्यूलाइट का प्रॉब्लम हो सकता है। इवन आपकी लाइफस्टाइल भी लूज, फ्लफी, बम्पी और मोटे चर्बी का कारण हो सकती है। स्मोकिंग करना, कभी भी एक्सरसाइज नहीं करना या आपका ऐसा कोई जॉब करना जिसमें आपको एक ही जगह पर और एक ही पोजीशन में लंबे समय तक खड़े या बैठे रहना होता है। उसके बाद चौथा कारण जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट कारण लगता है और वो है आपके शरीर में होने वाले हार्मोनल चेंजेस। हाँ दोस्तों, सेल्यूलाइट के लिए आपके हार्मोन्स बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इवन मेनोपॉज की वजह से होने वाले हार्मोनल चेंजेस भी सेल्यूलाइट का प्रॉब्लम बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ डिहाइड्रेशन यानी बॉडी में पानी की कमी होना या बॉडी में टॉक्सिक एलिमेंट्स के जमा होने के कारण भी ये समस्या हो सकती है। आपकी बढ़ती उम्र भी सेल्यूलाइट फैट का एक प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों, सेल्यूलाइट यानी बम्पी स्किन का प्रॉब्लम कम करने के लिए या दूर करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स का बैलेंस रखना होगा। जैसे मैंने आपको बताया है कि आपके स्किन के नीचे फैशिया यानी कनेक्टिव टिश्यूज, फैट सेल्स और मसल्स होते हैं और ये सभी किसी ना किसी हार्मोन से रिलेटेड होते हैं। लाइक फैशिया ग्रोथ हार्मोन्स पर डिपेंड होता है, तो फैट सेल्स को कम करने के लिए आपको इंसुलिन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स को कंट्रोल करना होगा। दोस्तों, महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन्स पुरुषों के मुकाबले अधिक होता है, इसलिए महिलाओं में फैट सेल्स यानी चर्बी की मात्रा भी ज्यादा होती है और सेल्यूलाइट का प्रॉब्लम पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा दिखाई देता है। इसी के साथ मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको कोर्टिसोल हार्मोन्स को कम करना होगा। सबसे पहले तो आपका बॉडी फैट यानी फैट सेल्स कम करने के लिए आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम कीजिए। इसके लिए आप खाने की फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ मील्स कम करें और शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स को कम करें। ज्यादा से ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, जंक फूड और MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट को अवॉइड करें। बहुत सारे फास्ट फूड और रेस्टोरेंट के खाने में ज्यादा करके MSG होता है, तो आप बाहर का खाना अवॉइड करें। सफिशियंट मात्रा में पानी पिए ताकि आपका शरीर डिहाइड्रेट ना हो और शरीर के टॉक्सिन्स भी बाहर निकल जाए। आप हेल्दी वजन को मेंटेन करें, हो सके तो समय समय पर बॉडी मसाज जरूर करवाएं। इससे आपके पूरे शरीर में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त संचार बना रहेगा। फास्टिंग डाइट में चाहिए तो आप डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित एफर्टलेस वेट लॉस डाइट या इंटरमीडिएट फास्टिंग डाइट फॉलो कीजिए। इसके बाद दोस्तों, आपके शरीर में ग्रोथ हार्मोन्स की मात्रा बढ़ाने के लिए और एस्ट्रोजन और कोर्टिसोल हार्मोन्स कम करने के लिए आपको आपके जीवन शैली में कुछ बदलाव लाना होगा। सबसे पहले तो आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस और वॉकिंग करनी होगी। सेल्यूलाइट कम करके थाइस और हिप्स की बम्पी और लूज चर्बी घटाने के लिए मैं आपको अब कुछ एक्सरसाइजेस बॉडी स्ट्रेचेस बताऊंगी, वो आप अच्छे से फॉलो कीजिए।
एक्सरसाइज में सबसे पहले आता है स्क्वाट्स। दोस्तों स्क्वाट से आपके हिप्स और थाइस की चर्बी कम होकर क्वाड्रिसेप जो आपके थाइस के आगे का हिस्सा होता है उससे मसल्स बनने में मदद मिलती है। इससे आपके लूज और बम्पी स्किन का प्रॉब्लम दूर होता है। दोस्तों स्क्वाट्स में आपके हिप्स बाहर की ओर निकलने चाहिए और जैसे ही आप नीचे जाते हो बेंड होते हो तो आपके घुटने आपके पैरों के आगे नहीं निकलने चाहिए। अब दूसरा एक्सरसाइज है लंजेस। दोस्तों स्क्वाट्स की तरह लंजेस भी आपके हिप्स और थाइस एरिया पर अच्छी तरह काम करते हैं। क्वाड्रिसेप के साथ आपके हैमस्ट्रिंग के मसल स्ट्रॉन्ग करने में इससे बहुत मदद होती है। इसके लिए आपको एक पैर को आगे करके दूसरे को घुटनों में बेंड करना है। दोस्तों आपका फ्रंट लेग का घुटना आपके पंजों से आगे नहीं जाना चाहिए। आप हर रोज इन दो एक्सरसाइज की 15-15 काउंट्स के 2-3 सेट्स कीजिए, आपको फायदा जरूर होगा। इसके बाद थाइस और हिप्स का फैट कम करने के लिए आप बैकवर्ड स्टेप एक्सरसाइज कीजिए। दोनों हाथों को एक दूसरे से मिलाइए और राइट लेग को पीछे लेते हुए लेफ्ट लेग को घुटनों में मोड़े। इसके बाद लेफ्ट लेग को पीछे लेते हुए राइट लेग को नी में बेंड करें। इस एक्सरसाइज के भी आप हर एक पैर के 15-15 काउंट्स कीजिए। दोस्तों इसके बाद मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन होता है। इसे कम करने के लिए आपको रेगुलर मेडिटेशन और प्राणायाम करना होगा। प्राणायाम में आपने सिंपल अनुलोम विलोम और डीप ब्रीदिंग किया तो भी चलेगा। आपको किसी भी चीज का ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, सभी प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई सोल्यूशन होता ही है। तो दोस्तों बिल्कुल स्ट्रेस ना ले। और दोस्तों इसी के साथ आप हर रोज अच्छी तरह से 7-8 घंटे की नींद लीजिए, सफिशियंट मात्रा में पानी पीजिए। आई नो सेलुलाइट को कम करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप इस तरह का शेड्यूल फॉलो करते हो तो आपका लूज बम्पी मोटे थाइस और हिप्स के चर्बी का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, आप फिट रहोगे। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों से शेयर जरूर करें। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।